क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बिल्कुल, आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ आपने देखा है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस है उनके बारे में बात करनी है। कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमने पहले क्वेश्चन में बात डिस्कस कर ली है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो क्यू किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तो मैं फर्स्ट में लिखा चुका हूं ना। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो क्या होगा, टू और फाइव का फैक्टर होगा, टू एंड फाइव का और टू और फाइव का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। वन बाई फाइव जैसे आप लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 0.2 आएगा। या आप देख लीजिए 12/2 अगर आप लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या 1/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अरे यहां मेरी बात, या 85/20 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4.25 आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो किस फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, टू और फाइव के फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर must be factors of 2 and 5 or 2 or 5। या तो 2 and 5 के फैक्टर हो, या 2 का, या केवल 5 का फैक्टर हो, किसी एक का फैक्टर हो जाए, तो ये आपका प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।